गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के मेरे नए ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज 2 तारीख है, 2 जून 2022। ब्लॉग तो मैंने शुरू कर दिया है, राइड पे मैं चला आया हूँ। कल भी मैंने वीडियो मैं राइड पे चला आया था, पर मम्मी को मैंने हॉस्पिटल लेके गया था, मेरी माँ को। वहाँ पे जाने के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं वहाँ से राइड पे नहीं चला आया, मैं सीधा घर पे निकल आया। मैंने ब्लॉग तो बना दिया था, स्टार्टिंग भी कर दी थी, पर वो ऐड नहीं कर पाया, उसके अंदर कंटिन्यू नहीं कर पाया। थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था माँ के साथ, वो आप देख लेना, थोड़ा क्लिप डाल दूंगा, पिकअप किया था। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ, देखते हैं कैसा आज का दिन होगा, कितना अर्निंग होगा। और बढ़िया होना चाहिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। रोज के रोज मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए जुड़ रहे हैं उनके साथ, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो रहते हैं और हर एक दिन का अलग अलग स्टेटस होता है, कि एक जैसा नहीं होता है। हम लोग अलग जगह विजिट करते हैं, नया एक्सपीरियंस रहता है, नए लोग रहते हैं, सबसे जुड़ के आपसे मिलते हैं। तो करता वीडियो की शुरुआत, गेट सेट गो। बाय बाय चिनो, बाय कर, बाय बाय, इकड़े इकड़े बघ, हाय कर, हाय कर, हाय कर, हाय कर, चिप्स घेतली आहे, ये हमारी छोटी है, ये मम्मी है, ये स्वप्नली है, निन्नी है, कुठे चालली तू? डिस्पेन्सरीला। भुई चालली? हा, बुकिंग तो अभी लग नहीं रही है, तो थोड़ा बैटरी का पानी चेंज देखता हूँ कि मेंटेन है या नहीं। यहाँ सामने एक बैटरी वाला है, जहाँ से मैंने बैटरी नहीं लगाई थी लास्ट जून में, तो अभी देखते हैं, यहाँ पे रहेगा तो अच्छा है। पानी चेक कर लेता हूँ बैटरी के अंदर, ये यहाँ पे है, ये बात चेक कर लेते हैं। ये पानी ऊपर क्या आ रहा है? ये सब आता है गर्मी से, गर्मी से आता है क्या? हाँ पानी सही नहीं है, सही है, चेक कर लो ना एक बार भाई, ठीक से रहेगा ना, इतना ऊपर आए हैं, साफ करने का, सही तो सही है ना, कि कभी कभी स्टार्ट में थोड़ा वासे में मतलब पानी भरा देगा। अच्छा फर्स्ट बुकिंग अभी लग चुकी है, अभी 3 किलोमीटर से ये बुकिंग दिख रही है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पिकअप करना है पैसेंजर को। लोअर परेल का दिख रहा है या पार्ला का है, मैंने ठीक से चेक नहीं किया, जो भी है जाना पड़ेगा, दिन की शुरुआत हो चुकी है, नो प्रॉब्लम, करते हैं। चार किलोमीटर आगे से दिख रहा है, तो पिकअप के लिए जा रहा हूँ, मिलता हूँ आपको पिकअप पॉइंट पे, जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। पिकअप पॉइंट पे अभी मैं पहुंच चुका हूं,
यहाँ का उनका पिकअप पॉइंट दिख रहा है, देखते हैं शो नहीं कर रहा है कहाँ पे है। ये जो जा रहे हैं वही पैसेंजर है, उनको लेके जाना है। इस वक्त मैं परेल में हूँ और KM हॉस्पिटल के यहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप किया था आधा घंटे पहले। यहाँ पे आने के लिए 1 घंटा 5 मिनट लग गया और कस्टमर ने मेरे से नंबर एक्सचेंज किया था और फिर से उनका कॉल आ गया कि उनको वापस पनवेल लेके जाना है। तो अभी एक ओला से बुकिंग हो गई और ये प्राइवेट हो गई है, तो दो बुकिंग अभी मेरे हो जाएगी और यहाँ से मैं सीधा भी पनवेल के लिए निकल जाऊँगा। तो जिसका मुझे अर्निंग दिया था 1004 रुपये का बिल बनाया और अर्निंग मुझे 706 रुपये का दिया है विथ टोल दिया गया है। तो यहाँ से मेरी अभी ये प्राइवेट बुकिंग हो जाएगी, यहाँ से मैं कस्टमर को पिकअप करने चाह रहा हूँ। बहुत नज़दीक है KM हॉस्पिटल का है, तो मुझे यहाँ से निकलना है, उनसे पिकअप करता हूँ। तो अभी मैं पिकअप पॉइंट पर जा रहा हूँ और कस्टमर को पिकअप कर लेता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। सामने खड़े हैं, इनको ये आ रहे देखे। हाय फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अभी पनवेल में हूँ। पैसेंजर को उनके घर पे मैंने ड्रॉप कर दिया। ये ट्रिप आपने जैसा देखा ही है कि ओला से मुझे ये मिली थी ट्रिप, पर सर ने मेरे से नंबर एक्सचेंज कर लिया और उनको वापस पनवेल ही जाना था। तो एक तो डायरेक्ट अभी ये बुकिंग हो गई है और मैंने कुछ भी नहीं कहा इनको कि आप जाएंगे या कुछ भी करेंगे, ये खुद से उन्होंने मुझे बोला कि आप चलोगे क्या रिटर्न। तो मैंने कहा कि हाँ आ जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अभी पहुँच चुका हूँ, दोपहर के 3:05 हो चुके हैं, आप देख सकते हो 3:05 हो चुके हैं। तो यहाँ से अभी मेरा घर नज़दीक ही है, तो मैं घर जाके खाना खा लेता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ कि करना है या नहीं करना है। मुझे लग रहा है कि मतलब मैं अभी बंद ही कर दूं, क्योंकि यहाँ से अगर मुंबई जाऊंगा तो 500-600 का डीज़ल चला जाएगा और फिर रिटर्न आने में उतना ही होगा। तो कल ही मैं ये डीज़ल का उपयोग कल के इसमें कर लूँगा। तो इन्होंने अभी मेरे से मुझे 1100 रुपये दिए विथ टोल का इंक्लूडिंग किया वेटिंग चार्जेस का, तो वो ओला से जो 1000 रुपये का जो हुआ था और प्लस ये 1100, टोटल मिला के 2100 का मेरा हो गया है। और जिसमें से मेरा डीज़ल 650 से 600 का चला गया है, तो अच्छा ही अर्निंग हुआ है। और गाड़ी मेरी चली है 100 किलोमीटर 83 के आसपास, 85 पकड़ के चलिए, इतना हो गया है। तो उसमें उतना मेरा अर्निंग हो चुका है। तो अभी यहाँ से मैं डिसाइड करता हूँ कि घर ही चला जाता हूँ और कल सुबह जल्दी उठ के काम पे लग जाऊँगा। तो मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, बाय बाय, टाटा।
I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits coming off